आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया है और इस फोन पर हुई बातचीत में कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई है। प्रदेश सरकार क्या कुछ तैयारियां कोरोना की रोकथाम को लेकर कर रही है, इस संबंध में बातचीत हुई है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया, ओमिक्रॉन वेरियंट के संबंध में भी बातचीत हुई है। तो हॉस्पिटल बेड ऑक्सीजन की उपलब्धता की समुचित जानकारी ली गई। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी चिंतित हैं और सीएम बघेल ने राज्य में समस्त जरूरी व्यवस्थाएं की हैं, ये भी उन्हें जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी को पूरा ब्रीफ किया है कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त प्रदेश में है और सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है। सुबह सुबह सोनिया जी की भी फोन आया था, उन्होंने चिंता व्यक्त किया और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वैसे कोरोना बढ़ रहा है, कुछ शहरों में बढ़ा है जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ये है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसी कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है।